आपके मन में कोई भी जो विचार उठता है वो विचार जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ईशान एक सत्संग में बता रहे थे कि शिव योग में बाबा ने हमको एक मूल मंत्र दिया है। जैसे जैसे मेरे शिष्य अंडरस्टैंड करते हैं, उसने जो अंडरस्टैंड किया मैं वो बता रहा हूँ। उसने कहा हमें बाबा ने एक मूल मंत्र दिया है और वो मंत्र है तुम चाहते क्या हो। और वो अपने जितने भी शिव योग के साधक थे उनको बता रहा था कि निरंतर तुम यही जपते रहो तुम चाहते क्या हो, और बड़ा आसान हो जाएगा जीवन। क्योंकि अब जैसे ही कोई गलत विचार आएगा, जैसे ही एक डिस्टर्बिंग एनर्जी पैदा करने वाला भाव आएगा, तुम्हारा मंत्र ऑन है तुम चाहते क्या हो, तो उत्तर होगा मैं ये चाहता हूं, एकदम तुम होशियार हो जाओगे। शिव योग इज नोइंगनेस। अब अनोइंगली आप कोई भी विचार, कोई भी भाव गलत जो है वो अपने भीतर नहीं ला सकते। यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ। उसी समय तुम कहोगे नहीं नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसको कैंसिल करो, और मैं रिवर्स करता हूँ अपने थॉट प्रोसेस को, मैं रिवर्स करता हूँ अपने भाव को। जो साइकोलॉजी ने बोला, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने बोला और हमारे उपनिषदों ने भी बोला, वेदों ने भी बोला, वहीं से ये सार लिए गए। वो समझा नहीं पाए लेकिन शिव योग समझाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज सम टोटल ऑफ द थॉट्स विच इज थिंकिंग कॉन्टिन्यूअसली। हर व्यक्ति जो जैसा भी है वो जैसे विचार लगातार अपने भीतर पैदा करता है उसका जो टोटल करा जाए वो व्यक्ति बन जाता है। ये ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी आपको ये यहाँ पर प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा कि जो भी विचार आप पैदा करते हो वो आपके चारों तरफ एक स्पंदन पैदा करता है, और वही स्पंदन आपके स्थूल शरीर के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनको वाइब्रेट करती है उसी के अनुरूप, और वही स्पंदन उस एटम के भीतर, उस सेल्स जो सेल्स हैं उसके भीतर जो एटम्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको अंदर वो स्पंदन पैदा करती है उस विचार के अनुरूप। अगर कंफ्लिक्टिंग विचार होगा तो कंफ्लिक्टिंग स्पंदन पैदा होगी।